तो बाजू का ये डिजाइन बनाने के लिए बाजू की कटिंग हमने कर ली है। तो बाजू की कटिंग आपको किस हिसाब से करनी है, देखिए बाजू की लंबाई आपको जितनी भी रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको लंबाई कटिंग करनी है। हमारी बाजू की लंबाई 15 इंच है, हमने इसको 16 इंच कटिंग कर लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा आपको लंबाई कटिंग कर लेनी है बाजू की। आर्मोल आपको अपने हिसाब से रखना है, जितना हमने आर्मोल कटिंग किया है आपको अपने हिसाब से कर लेना है। ये बाजू की बॉटम है, ये आपको अपने हिसाब से रख लेनी है जितनी आप रखते हैं। उसके बाद ये 1.5 इंच का मार्जिन आपको एक्स्ट्रा रखना है ऊपर से नीचे तक। बाजू हमें क्या होता है कई बार लूज करने पड़ जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन आपको रखना है। इसको साइड में रखेंगे। उसके बाद देखिए सेम कपड़े पे आपको पेपर फ्यूज का पीस चिपका लेना है। तो 3.5 इंच का ये पेपर फ्यूज का पीस आपको कपड़े के ऊपर प्रेस की मदद से चिपका लेना है। अब देखिए और लंबाई में ये बाजू के बराबर आपको कटिंग करना है, आपकी बाजू में पूरा आ जाए। यहां से एक सेंटर का कट आपको इस पट्टी में लगा लेना है और एक साइड से आपको 2 पॉइंट इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर आपको प्रेस कर लेनी है। ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ 2 पॉइंट फोल्ड करते हुए इसके ऊपर आपको प्रेस कर लेनी है। तो प्रेस हमने कर ली है, अब इसको यहां से इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेंगे। इसका सेंटर आपको इस तरीके से बिठा लेना है और यहां से देखिए पहला निशान हम लगाएंगे 3 इंच से 2 पॉइंट कम। 3 इंच से 2 पॉइंट कम निशान लगाएंगे, यानी कि 3.25 इंच का निशान हम लगाएंगे पहले ऊपर की तरफ। उसके बाद इस साइड आपको लगाना है 2 पॉइंट का निशान, यानी कि 2 सूत का निशान आपको लगाना है। ये निशान आपको अपने मोती के हिसाब से लगाना है, जो आपको मोती लगाना है इसके अंदर। अब इस साइड भी इसको सीधी इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये बीच का जो गैप है आपको मोती के हिसाब से करना है, जैसा मोती आप लगाएंगे उतना मार्जिन आपको ये रखना होता है। तो हमने अपने हिसाब से रख लिया है। अब देखिए बाजू को इस तरीके से रखेंगे, बाजू की उल्टी साइड आपको ऊपर की तरफ रखनी है और यहाँ पे इसको सेंटर लेते हुए इसको जो पट्टी को आपको लगा देना है, यहां से सिलाई मारेंगे इस तरीके से, इस निशान के ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो एक पैर की सिलाई लगानी है, यानी कि 2 पॉइंट की आपको ये सिलाई लगानी है। जिस तरीके से हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर आपको सिलाई चला देनी है। तो सिलाई हमने ये लगा ली है। अब यहां से जो हमारा ये सेंटर है यहां से एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से निकाल लेंगे और यहां पे जो हमारे कॉर्नर है यहाँ पे कट लगा लेंगे, ताकि हमें ये पट्टी पलटने में आसानी हो। अब इसको बाजू की बाहर की तरफ पलट लेंगे इस तरीके से, इसके कोने जो हैं आपको अच्छे से निकाल लेने हैं। तो अब इसके बाद ये हमारा इस तरीके से आएगा। अब इसके ऊपर आपको प्रेस कर लेनी है, इसको अच्छे से बिठा लेना है। तो प्रेस हमने इसके ऊपर कर ली है। अब ये एक्स्ट्रा पट्टी जो हमारी बढ़ी हुई है इसको आपको कटिंग कर लेना है। तो पट्टी कटिंग करने के बाद अब आपको देखिए इसको कवर करना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से लैस रखनी है, अंदर लैस रखते हुए सिलाई लगानी है। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहें पाइपिंग लगा सकते हैं, अगर लैस लगाना चाहें लैस लगा लें। तो इस तरीके से आपको इसको अंदर रखते हुए इसको लैस को लगा देना है। ये सिलाई आपको सफाई से लगानी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है, बाजू हमारी इस तरीके से तैयार हुई है यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पे सुई धागे की मदद से आपको यहाँ पे मोती लगा लेने हैं। पट्टी में जो हमने ये कट लगाया था ये अपने मोती के हिसाब से लगाया था।
आपको ये कट अपने मोती के हिसाब से लगाना है, जितना मोटा या बारीक आप मोती लगाएंगे उतना ही कट आपको ये पट्टी में रखना है। तो इस तरीके से एक मोती हमने सेट कर दिया है, अब दूसरे को करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, ये सारी जो हमारी पट्टी है इसके अंदर आपको मोती लगा लेने हैं, जितने भी आपके मोती इसमें सेट आए। तो देखिए मोती हमने इसमें लगा लिया है, बाजू हमारी कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको फोल्ड करेंगे और यहां पर आपको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो फिटिंग की सिलाई हमने इसमें लगा ली है, अब इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद हमारा ये डिजाइन कुछ इस तरीके से बना है। अब सिंपल आपको बाजू को कुर्ती में लगा देना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।